ਪਾਵਰ ਹੈ ਠੀਕਾ क्या हुआ है आपके पाँव में यार? ये देखें, ये हमारे साथ जुलम हुआ है। ये नून लीग ने किया? नून लीग कोई तवज्जो नहीं है क्या? नून लीग ने किया है। तो ये मतलब कैसे हुआ, आपको कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? तो नाजरीन आप ये देखिए कि क्या हुआ इनके साथ। ये नून लीग की हरकत है, अमरीका से मिला हुआ नून लीग। ये देखो, तो ये मतलब इन्होंने चप्पल लग दी थी गर्म किस पे? इधर चप्पल का हाल ये देखें, ये देखें, ये मेरे भाई का पाँव जलता जलता बचा है। नून लीग वाले फुटरेज भी लगा के नहीं दे रहे गाड़ी। अंदर जाओ दोनों। मतलब अब तक आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है यहाँ के बारे में? यार असल में बात ये है कि डर तो लग रहा है, जिंदगी का सबसे खतरनाक एडवेंचर है हमारा ये। नहीं मतलब अब तक क्या एक्सपीरियंस क्या रहा, मतलब लॉन्च और ये समंदर को, छोटा मोटा समंदर को देख के पहले खौफ था, वो अभी थोड़ा कम है। मतलब बेहतर से बेहतर महसूस करते आ रहे हैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है। देख रहे हैं कलेक्शन आपके पास है, दिन में आप मुर्गी फ्राई खा रहे हैं, रात में आप मटन फ्राई खा रहे हैं, माशाल्लाह नाश्ता है, डबल रोटियाँ हैं, फिर आप झींगा बिरयानी खाएँगे। कभी खाइए झींगा बिरयानी आप? नहीं। तो मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा ये भी? इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट चलना कभी आप चलाना नहीं। ओके, बेस्ट ऑफ लक सर। तो जनाब सलमान साहब, तो मतलब अब तक का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस एंजेलिना के टूर के बारे में? बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त, बड़ा मज़ा आ रहा है। एडवेंचर अभी शुरू होने वाला है और ये मेरा थर्ड टाइम है। इससे पहले अच्छा, मतलब आप थर्ड टाइम आए, तो मतलब आप तो एक्सपीरियंस है थोड़ा। एक हमारे ये साथी जो आते निकाल रहे हैं, साफ कर रहे हैं, तैयारी पकड़ रहे हैं, मतलब लंबे सफर कर रहे हैं। तो मैं से सांप निकल आया, पीछे फेंक दिया। तो आप चीज के बारे में काफी कम सलाम करके हो जाता है, आप एक्सपीरियंस है मतलब इस मामले में? बिल्कुल। शहराज गालिया के बारे में क्या ख्याल है? ये अभी तो बैठा हुआ है, अभी देखो ये क्या करता है। अभी तो ये बैठा हुआ है आराम से। शिराज, मतलब अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ तक पहुँचने के बाद? और आपको मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं अपनी जिंदगी का एक नया एक्सपीरियंस गेन करने आया हूँ। ये तो ऐसे ही बोलता है पूरा जामिया की। असल में मसला ये है कि इंसान को अपनी जिंदगी में नए से नए काम करना चाहिए, और मैं इस चीज़ का अमल करता हूँ और अपने दोस्तों का साथ देता हूँ। और अभी तक का सफर मेरा बहुत बेहतरीन रहा है, और दुआ करता हूँ कि आने वाला सफर ही मेरा बेहतरीन रहे। ओवर टू यू मिस्टर रेहान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब अब तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं, मतलब जो बातें आपके दिल में थी या दिमाग में थी या जो डर या जो खौफ था, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करें, अवाम आप जानना चाहती है ये बात? नहीं, डरना असल में इंसान की निशानी है, इंसान डरता है, और ये तो इंसान है ही नहीं। हेलो, ऐसे खुद से डरता है, खुद के हमजात से डरता है, खुद के दिमाग से डरता है, और दिमाग में ही डर होता है। पर जब दोस्तों के पीछे दिल लगाया तो सर भी इनके देंगे पीछे। नहीं, कुछ हमें ऐसी उड़ती हुई खबरें भी मिली हैं कि मतलब आपके दिल में कोई खौफ आ गया था और आप इस सफर को बीच में ही छोड़ के जाने नहीं, वाले। नहीं नहीं, ये खौफ की जो बात नहीं, बनावटी बात है। मुझे जो पता चला है ना, तो ये जो रहाने ना, ये बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने एक पेम्पर चेंज किया, उसमें 10 निकले हुए थे और बाकी तो सब कह रहे हैं। इससे बाद में पूछता ना, फिर निकले। अब बीच में आ रहा है बंदा, तो मतलब नहीं, ये कॉन्फ्रेंस के बीच में मुंह क्यों धोया भाई तूने? इधर का आप क्यों मुंह धो रहे हो बीच में? क्योंकि आप नहीं धो रहे। मैं पेशाब कर रहा हूं, ये पेशाब कर रहा है, आप बीच में मुंह क्यों डाल रहे हो यार? इनसे पहले इनका धुला दूं। इस बात में कितनी सदाकत है कि रेहान साहब बीच में सफर छोड़ के जाने वाले थे? अब तो सच बोल दी, मुझे नहीं याद। ये जो है ना, ये औरत वाली हरकतें कर रहा था उस टाइम पे। छिनालो पता है, ये छिनालो होती है, वो कोई छिनाल टाइप की कोई चीज़ होती है, मतलब ये वाली हरकतें इन्होंने की है, ये सच है। उसके बाद इन्होंने बोला नहीं यार मैं मजाक कर रहा था, मैं जो है ना, हाँ मैं जो है ना नहीं जा रहा हूँ, और जो है ना अब मैं जो है ना ये इस सफ़र का हिस्सा बनूंगा। फिर थोड़ी देर बाद फिर इनके जो है ना एक जुम्मन कीड़ा काटा और फिर उन्होंने वही शुरू कर दिया। तो मतलब पहले ये गवाह है इस वाकई के, कितनी तौकात रखी जा सकती है कि जब पिंडोरा बॉक्स खुलेगा 24 घंटे के बाद और शफीक की डायरी खुलेगी, तो कितने आसार हैं गांटे से मुंह बनाने के लिए? यार ये मुझे तो आसार, ये
बंदा मतलब बिल्कुल मतलब कोशिश कर रहा है कि ये दिखाए कि ये डर नहीं रहा है, मतलब है इनके चेहरे पे, चेहरे पे इनके खौफ है। मैं हूँ थोड़ा सच्चा, वो मुकम्मल सच्चा, अगर मैं डरता हूँ तो फिर मैं बोलता हूँ कंप्यूटर अभी फिर वक्त मुझे डरने लगा ही नहीं है, बिल्कुल भी डरने लग रहा है फिर वक्त। बात दरअसल ये थी कि मुझे डबल क्रॉस किया गया, जो बात इन्होंने कही थी ना खासतौर पर हमारे सैयद साकिब अली शाह, मतलब हालांकि सुनकर चुके हैं और वो चलते हैं, मतलब वो खुद कठपुतली है, उन्हें कोई चलाता है वो ये